जहां पर एक बार फिर से बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा बटोर रही है सोशल मीडिया पर, वजह 200 करोड़ के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, जिसके साथ जैकलिन फर्नांडिस की रोमांटिक तस्वीर वायरल हो चुकी है। और फाइनली इस वायरल तस्वीर के साथ ये सच सामने आ चुका है कि कैसा रिश्ता था जैकलिन का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ, जिसके बदले में सुकेश देता था जैकलिन को करोड़ों के तोहफे भी। लेकिन अब इसी के साथ, अब सुकेश चंद्रशेखर के बाद जैकलिन की कुछ प्राइवेट तस्वीरें सामने आई है सलमान खान के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि जैकलिन जो अक्सर सुर्खियां बटोरती है, और जैकलिन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। जहां पर सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन का नाम जुड़ा, तो वहीं अब सलमान खान के साथ जुड़ता हुआ जैकलिन का नाम सामने आया। दरअसल साल 2014 में आई फिल्म किक में जैकलिन और सलमान दोनों साथ में काम करते नजर आए थे। दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी काफी सुर्खियां बटोर रही थी। उन दिनों जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान के साथ हर जगह नजर आती थी। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे के साथ प्यारी तस्वीरें भी शेयर करते थे। बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान एक्टर सलमान खान के फार्म हाउस यानी कि पनवेल फार्म हाउस में भी जैकलिन के साथ सलमान ने अपना काफी अच्छा वक्त गुजारा। इस दौरान दोनों की कई सारी वीडियोस और तस्वीरें भी सामने आई थी। तस्वीरों को देखने के बाद फैंस ने यह अंदाजा लगाया था कि जैकलिन और सलमान के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि जैकलिन ने सलमान के साथ अपनी रिलेशनशिप पर चुप्पी नहीं तोड़ी। सलमान भी जैकलिन को सिर्फ अच्छा दोस्त बताती हैं। जैकलिन भी सलमान को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही बताती है। बता दें कि सलमान खान से पहले एक्टर जैकलिन फर्नांडिस का नाम साजिद खान के साथ भी जुड़ चुका है। ये भी कहा जाता है कि साजिद खान के मदद से ही जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड में अपना नाम बना पाई है। खबरों की माने तो साजिद के कारण ही जैकलिन फर्नांडिस को हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। खबर तो ये भी है कि साजिद खान जल्द ही जैकलिन फर्नांडिस के साथ शादी भी करने वाले थे। हाउसफुल 2 की शूटिंग के वक्त जैकलिन फर्नांडिस को भाभी कहकर भी पुकारा करते थे लोग, लेकिन साल 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था और ये दोनों अलग हो गए थे, जिसके बाद जैकलिन फर्नांडिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चालू हुआ। इसके ऊपर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर किया गया। इस मामले में मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर के साथ भी जैकलिन फर्नांडिस की कुछ तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद जैकलिन को शक के घेरे में लिया गया। बता दें कि सुकेश की माने तो जैकलिन फर्नांडिस को 52 लाख का घोड़ा और 19 लाख की फ्रांसी कैट तोहफे में दी थी। इसके साथ ही सुकेश के साथ जैकलिन के कैसे रिश्ते थे, वो प्राइवेट तस्वीर वायरल होने के बाद सभी लोगों के सामने सच सामने आ गया। तो यह है पूरी खबर, जहां पर जैकलिन फर्नांडिस की अब कई सारी तस्वीरें सलमान के साथ भी वायरल हुई है। मैक्स 9 लाइफ की रिपोर्ट।